वैसे तो ओल्ड दीघा है, न्यू दीघा है, हम लोग चल रहे हैं आपका आज उदयपुर। उदयपुर आपका उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी शांत रहता है। वहाँ पर बीच पे आप बैठ करके समुद्र का मजा ले सकते हो, घूम सकते हो, खाने पीने का पूरा सुविधा रहता है। उसके बाद आपका वहाँ पर जितना भी फीस होता है, जो भी मतलब आपके पानी से निकलता है समुद्र से खाने के लिए, जैसे केकड़ा फीस, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। और उदयपुर में दिखाऊंगा कहाँ पर बैठना है, जहाँ पर पूरा इंजॉय कर सकते हो और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको। और मैं एक दोस्त है मेरा जो आपको दिखाऊंगा, जिसका नाम है मिर्जा, ये मेरा दोस्त है। आप कभी भी आओगे तो आपको मैं इसका नंबर दे दूंगा आपको, मिर्जा भाई का। वो कभी भी आप आओगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, गाइड करने के लिए मिर्जा भाई आपको गाइड करेगा और पूरा दीघा को आपको घुमाएगा। दीघा में कैसे आना है, कैसे जाना है, कौन कौन से जगह में आपको रुकना है, घूमने के लिए। ऐसे तो दीघा लोग जानते हैं, दीघा है, लेकिन दीघा में बहुत सी चीज़ ऐसा है जो लोग नहीं जानते एकदम। लेकिन मिर्जा भाई का घर है यहाँ पर, तो ये बहुत कुछ जानता है। बोलो कुछ तुम भी, ताकि लोगों को आइडिया हो, अगर कोई आप लोग करे, आप लोग भाई का चैनल में वीडियो देखो और अगर आना पड़ता है तो फिर भाई का वीडियो में उधर कांटेक्ट नंबर रहेगा और फिर कॉल करो, जितना हो सके आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। मैं मिर्जा भाई का नंबर दे दूंगा, ये आपको फोन करना, आप मिर्जा भाई को, कोई भी होगा आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मिर्जा भाई हेल्प करेगा। अगर किसी तरह का क्वेरी करना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो नंबर मिर्जा भाई का रहेगा ही। और मैं मिर्जा भाई का यूट्यूब चैनल का भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसमें आप देख लेना। तो क्या होगा, आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व किया जाएगा। और उदयपुर में दिखाऊंगा कैसे है, नहीं है, कितना मज़ा आता है और कितना भीड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लो, यहाँ पे तो होटल रहने के लिए कमी नहीं है, मतलब जितना जगह चाहिए उतना मिलेगा, जितना आपको चाहिए। सारी गाड़ी पार्किंग करने का भी देख लो जगह है, यानी अगर आप कार वगैरह लाते हो तो कार पार्किंग करने के लिए भी आपको जगह मिलेगा, जिसमें आपको रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस से आते हो तो भी आपको अवेलेबल है। ये देखो, हम लोग सीधा समुद्र की तरफ चल रहे हैं। ये देख लो, सारे अलग अलग होटल है। ये आपका बगल में समुद्र है और हम लोग चल रहे हैं आपका न्यू गीतांजलि होटल में। इसमें मिर्जा भाई का फुल सोर्स है, आप कभी भी आओगे तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो आपका गीतांजलि है और एकदम पास में ही आपका समुद्र है। ये देख लो, यहाँ पर इस तरफ में समुद्र है और ये गीतांजलि होटल, न्यू गीतांजलि होटल, इसमें आपको आकर के रुकना है और पूरे सुविधा आपको अवेलेबल मिलेंगे। नाम मिर्जा भाई का रहेगा आपका। इसमें काम मिर्जा भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम है, इलेक्ट्रीशियन का, वो मेंटेनेंस का काम जो है मिर्जा भाई करते हैं। गीतांजलि का पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, न्यू गीतांजलि का। ऐसे मैं आपको पूरा दीघा घुमा रहा हूँ, आप देखो, मैं भी घूम रहा हूँ, घुमा क्या रहा हूँ, मैं भी दुर्गा पूजा की छुट्टी में आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी आओ, इन्जॉय करो, ज़िंदगी में काम ज़रूरी है, काम के साथ साथ घूमना फिरना भी ज़रूरी है। देखो, पहुंच गए हम लोग उदयपुर और चलते हैं, आपको मैं समुद्र का नज़ारा दिखाता हूं, आप भी देखो, मैं भी देखता हूं। और उदयपुर में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, न्यू दीघा से ज़्यादा, न्यू दीघा ओल्ड दीघा से ज़्यादा मज़ा आता है उदयपुर में। और उदयपुर में देखोगे आप, एकदम बैठने का फुल सुविधा है और मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आपका उदयपुर का सुबह का नज़ारा, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये देख लो, सुबह सुबह कितना भीड़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह का टाइम है और वेदर बहुत ही खूबसूरत है, ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम ठंडा है। नीचे चल के आपको दिखाते हैं और नीचे खाने पीने का पूरा सुविधा है, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। मिर्जा भाई साथ में ही है, मिर्जा भाई को आप याद रखना, आप कभी भी आओ तो फ़ोन करो, उससे क्या होगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मिर्जा भाई गाइड करेगा और गाइड के तौर पर आपका हमेशा कॉल उठाएंगे, फ़ोन करोगे तो। और उदयपुर में क्या है दोस्तों, उदयपुर में शांति है और नहाने वाने का जो जगह है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत मज़ा आता है, नहाने के लिए सेफ जगह है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक का कैसा लुक है। हम लोग यहाँ देख रहे हो, ऊपर में अपना बाइक रख के आए हैं। आप लोग भी अगर गाड़ी लेकर आते हो, फोर व्हीलर वगैरह, तो यहाँ ऊपर में साइड में रख सकते हो, ये पूरे साइड में जगह है रखने का। बाइक अगर घुमाना चाहते हो तो बाइक बीच पर भी घुमा सकते हो। ऐसे देख लो, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और अभी तो खैर सीज़न का टाइम है, अभी आओगे तो भीड़ मिलेगा, मज़ा भी बहुत आएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये आपका उदयपुर है,
दीघा का बहुत ही बढ़िया जगह है, जहाँ पर आपको बहुत ही फुल फैसिलिटीज है और शांति बहुत है। आप न्यू दीघा में एंड ओल्ड दीघा में आप एक चीज़ देखोगे, वहाँ पर बहुत सा भीड़ रहता है और सफाई भी नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन जब आप उदयपुर में आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको साइड में सीधे भी है, पूरे बीच पे दिखा रहा हूँ, एकदम सफाई है, किसी भी तरह का कोई गंदगी नहीं है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर साइड में देखो खाने पीने का जगह है आपका, जहाँ पर आप जो भी चीज़ खाना चाहो, फिश में जितनी वेराइटीज़ होती है वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। जैसे कि मैं भी मज़ा कर रहा हूँ, आप भी करो और छुट्टी में मज़ा लो जो आपका उदयपुर में आओ दीघा के पास में। अगर आने में प्रॉब्लम होगा तो आपको रूट मैप दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना और बहुत मज़ा आएगा। बस इतने बोलूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे खाने पीने का बंदोबस्त है, ये देख रहे हो सभी लोग अपने बैठ कर के फिश खा रहे हैं और बहुत मज़ा ले रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। सुबह सुबह आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस मजा लेने वाले, जैसा कि देखो सुबह का टाइम में वेव बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बहुत मज़ा आ रहा है और वेव में काफ़ी लहर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप भी आओ और रूम वगैरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। और दीघा में देख लो कितनी खूबसूरत जगह है, समुद्र में सुबह सुबह देखो कितना ज़्यादा लहर है, कितना मज़ा आ रहा है देखने में और अच्छा भी लग रहा है। सुबह का टाइम में ज़्यादा धूप भी नहीं है, जो भी बोलो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप आओ और घूमो, मज़ा करो। बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय है, और सुबह का वक्त तो पानी एकदम पूरा लहर में है, मज़ा आता है दोस्तों। आप आओ, बहुत मज़ा होगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। जितना भी आप आगे जाओ समुद्र आपको मतलब ठीक साइड में कर देगा, जैसे इंसान जो होते हैं। हम लोग उदयपुर से मतलब घूम लिए हैं, अब हम लोग उदयपुर से आपका समुद्र के रास्ते से, यानी ये रोड नहीं बोल सकते, ये समुद्र का रास्ता है। अब हम लोग चल रहे हैं आपका तालसारी, जहाँ पर आपको वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत नज़ारा रहेगा और वहाँ पर भी देखने को बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। आप भी जब आओगे तो काम तो ज़िंदगी भर होते ही रहेगा, जैसा आप जानते हो घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत घूमोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और घूमो जहाँ मन करे, वहाँ आप लोग का मर्जी है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और हम लोग चल रहे हैं तालसारी की तरफ, ये आपका समुद्र के रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, ये रोड नहीं बोल सकते, ये समुद्र से सटा हुआ रास्ता है जो हम लोग शॉर्टकट निकलेंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगे कैसा वहाँ का व्यू है, और बहुत ही खूबसूरत ये देख रहे हो, पूरा समुद्र पूरा एकदम पूरा वेव हो रहा है और खूब अच्छा लहर है, नहाने में भी बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने कभी नहाया नहीं है, तालसारी दिखाने के बाद आपको जहाँ पर हम लोग नहाएंगे समुद्र में, वहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून रहेगा, तो वहाँ पर आराम से वीडियो बनेगा। वहाँ पे आप लोग भी अपने अगर कपल्स आते हो या फैमिली लेकर आते हो तो वहाँ पर रिलैक्स होकर नहा सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा। दीघा का देख लो आप, तालसारी का मतलब लास्ट, इसके बाद आप जो है घूमने का और जगह है नहीं, और भी जगह है लेकिन ये तालसारी लास्ट है, जहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर देखो शांति है, यहाँ पर आप आराम से आके घूम फिर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, नाव में अगर घूमना चाहो तो आप बोटिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे खाने पीने का पूरा सुविधा है, जो भी चाहिए डाब वगैरह कुछ भी आपको खाने पीने के लिए सारे अवेलेबल है, और मज़ा आएगा यहाँ पर भी आपको। ये दोस्तों ये कंप्लीट होता है वीडियो यहाँ पर आपका, ये देख लो यहाँ पर, ये आपका ओल्ड दीघा से थोड़ा आगे पड़ता है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, बहुत कम भीड़ रहता है। इस साइड में देखो आपका ओल्ड दीघा से मोहना जाने में द मिडिल पॉइंट, ओल्ड दीघा से मोहना, ये आप आगे जो देख रहे हो यहाँ पे मंदारमणि पड़ेगा आगे में, यहाँ पे आप अगर आते हो फैमिली लेकर कपल्स आते हो तो शांति से नहा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे इस चैनल से।